अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं बना रही हूँ केरला स्टाइल फिश करी, जो कि बहुत ही टेस्टी और आसानी से बनने वाली रेसिपी है। इस रेसिपी को आप किसी भी ओकेशन में बनाएं, सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सुरमई फिश। मछली को मैंने आटा और नमक लगा के बहुत ही अच्छी तरीके से धो लिया है। आटा और नमक लगाकर अच्छे से धोने से इसमें जो स्मेल होती है वो सारी निकल जाती है और इसको थोड़ा सा ड्राई कर लिया है। इसे धोकर मैंने एक छन्नी में रख दिया था जिससे सारा पानी निकल गया है और ये अब ड्राई हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर मैंने आधा चम्मच नमक डाला है, आधी चम्मच हल्दी और आधा ही चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाला है। आधा चम्मच यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मसाज करते हुए एक एक फिश को मैरिनेट कर देंगे ताकि सारे मसाले एक दूसरे में लग जाए। सारी मछलियों को मैंने मसाले में अच्छे से कोट कर लिया है और अब चलते हैं इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म करना है और उसमें एक एक फिश ऐड कर लेना है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप कढ़ाई या तवे में भी फ्राई कर सकते हैं, बशर्ते कि कढ़ाई और तवा अच्छे से गर्म हो जाए। उसके ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़ दे और उसके बाद तेल डालें और तेल और कढ़ाई गर्म होना चाहिए अच्छी तरीके से, उसके बाद ही फिश ऐड करें। तो एक एक फिश मैंने ऐड कर दिया है और इसको एक साइड से पका लेंगे। तब तक हम एक मसाला तैयार कर लेंगे। मसाले में मैंने लिया है गीला खोपरा, लहसुन, लहसुन की दो गांठें ली है और एक इंच अदरक का टुकड़ा, एक बड़ा प्याज लिया है यहाँ पर मैंने, और जो हरा धनिया होता है उसकी जो डंठल होती है उसे ले लिया है मैंने। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो यूज़ करें। इन सारी चीज़ों को मिलाकर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। दूसरी तरफ हम मछलियों को भी चेक करते रहेंगे कि फ्राई हुए हैं या नहीं, तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए एक साइड ये बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं और इस तरीके से क्रिस्पी फ्राई करके मछली बनाने से मछली का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इन सारी मछलियों को मैंने पलट लिया है और इसको दूसरी साइड से भी अच्छे से क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने मसाला तैयार कर लिया है, इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और साइड में रख देंगे। सेम मिक्सर बाटी में हम थोड़े मसाले और पीस लेंगे। इसमें मैंने दो टमाटर लिया है, ये मीडियम साइज़ के दो टमाटर है, और थोड़ा सा हम इसमें इमली ले लेंगे। साथ में 10 से 12 काली मिर्च ऐड कर देंगे और इसको मिक्सर जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए इन्हें मैंने पीस लिया है और इसको साइड में रखेंगे। दूसरी तरफ हम चेक कर लेते हैं कि मछलियाँ फ्राई हुई है नहीं है। तो देखिए मछलियाँ एकदम अच्छे से फ्राई हो चुकी है और इन्हें हम एक एक करके निकाल लेंगे। और बाकी सारी मछलियों को भी फ्राई कर लेंगे। दूसरी तरफ हम तैयार कर लेते हैं ग्रेवी। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल और तेल को हम बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। और बघार में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कड़ी पत्ता और एक चम्मच राई, इसको कड़का लेंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज और नारियल वाला जो पेस्ट हमने तैयार किया था उसे ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से भूनना है जब तक तेल ओज आउट नहीं हो जाता है, तेल सेपरेट नहीं होने लग जाता है मसालों से, तब तक हमें इसे भूनना। मसालों को भूनते मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर और इमली वाला पेस्ट जो हमने तैयार किया था, उसको ऐड कर लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और साथ ही साथ इसके ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले इसमें जा रहा है नमक, आप टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी, 2 चम्मच इसमें डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मसालों को तब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो मसाले देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुके हैं, आप देख सकते हैं कि तेल वगैरह जो है सतह पर आने लगा है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, पानी आप अपने हिसाब से ऐड करिएगा।
आपको ग्रेवी जितनी ठीक चाहिए या पतली चाहिए तो उस हिसाब से आप पानी को ऐड करिएगा और इसे फिर मिला लेंगे अच्छी तरीके से और एक बॉयल आने देंगे इसको हम। तो एक बॉयल आ गया है और बॉयल आने के बाद इसमें हम सारे मछलियों को ऐड कर देंगे। मछलियों के पीसेस बड़े हैं इसके लिए एक के ऊपर एक आ जा रहे हैं तो हम चम्मच की मदद से इसे एडजस्ट कर लेंगे। मछलियों को ऐड करने के बाद इसे हम ढककर 5 से 6 मिनट पका लेंगे। तो 5 से 6 मिनट हो गए हैं और हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्ती रेसिपी बनकर तैयार हुई है। तो गार्निशिंग के लिए मैंने इसमें डाल दिया है हरी मिर्ची और करी लीव्स। इसे 2 मिनट और पका लेंगे। 2 मिनट बाद ये हमारी डिश तैयार है बिल्कुल भी सर्व करने के लिए। तो इस तरीके से रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना और कमेंट करके अपने फीडबैक ज़रूर करना। रेसिपी अगर यूज़फुल है और आप लोगों को पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।